गुड मॉर्निंग डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे आई एम गोइंग टीच यू टेबल ऑफ टू। बेटा इससे पहले भी मैंने आपको करवाया है टेबल ऑफ टू, लेकिन वो कहाँ तक किया था हमने? 2, 5 से 10 तक। ओके, उससे नेक्स्ट करेंगे अब हम। यहाँ पर मैम ने क्या राइट ऑन किया है? टू। इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं बेटा? ये किस चीज़ का साइन होता है? दैट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, 6, ये क्या किया? ये वाला जो साइन लगा है, ये किस चीज़ का साइन बताया था मैम ने? इक्वल टू का। तो 2, 6 are 12। ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर हम राइट क्या करेंगे? मैंने बताया था ना कि 10 टाइम्स हमने 2 राइट ऑन करना है। 2 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर इक्वल टू 2, 7 are 14। नेक्स्ट वन इज, यहाँ हम फिर से राइट ऑन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8, 2, 8 are 16। ओके, नेक्स्ट वन इज 2 मल्टीप्लिकेशंस 9, 2, 9 are 18। ओके, नेक्स्ट 2, 10 are 20। ओके, ये आपका जो है वो टेबल कंप्लीट हो गया है। पहले हमने किया था 2, 5 are तक किया था बेटा। उससे पहले जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था? 2, 1 are 2, 2, 2 are 4, 2, 3 are 6, 2, 4 are 8, 2, 5 are 10। उसके बाद क्या राइट ऑन किया है यहाँ पर मैंने? उसके बाद आपने राइट ऑन करना है 2, 6 are 12, 2, 7 are 14, 2, 8 are 16, 2, 9 are 18, 2, 10 are 20। ओके बेटा, जो 2 है हमने वो कितने टाइम्स लिखना है? कितने टाइम्स लिखना है? 10 टाइम्स, अगर हम फर्स्ट से कंप्लीट करेंगे। और ये जो है, यहाँ पर हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है, और 1 to 10 जो है वो काउंटिंग राइट ऑन करनी है, और यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर आता जाएगा। ओके, ये है बेटा टेबल। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मैम ने और समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, इसीलिए मैम ने आज फिर से ये आपको बताया है। तो आपने किस तरह से रीड करना है, ये जब भी आप राइट डाउन करते हो तो उसको रीड ज़रूर करना है। ओके, तो हम इस तरह से रीड करेंगे इसको। 2, 6 are 12, 2, 7 are 14, 2, 8 are 16, 2, 9 are 18, 2, 10 are 20। ओके, इस तरह से जो आपका वो टेबल जो है 2 का वो कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।